कौन कराता है मृदुल सुसुपोटी? सुसुपोटी कौन कराता है? आज फैसला हो जाए, कौन कराता है? आज आ रही है पार वाली व्यक्ति। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार कल आपको बताऊं, इस ब्लॉग में अभी मैं सोकर इसलिए उठाऊं क्योंकि इस समय शाम का 4 बज रहा है, सो गया था। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत टाइम से सो रहा हूं। क्यों रात भर नींद नहीं पूरी हो पाई? इसका रीज़न सिर्फ ये है यार, कल रात में शाम को आंधी आई थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी, जिस वजह से कहीं पे ऐसा फॉल्ट हुआ कि पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई थी और हम सो भी नहीं पाए और हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया। आप सोचो कि 3-4 कमरों में अगर पंखे कंटिन्यू 2-3 घंटे चल गए तो इन्वर्टर जाहिर सी बात है डाउन हो ही जाएगा, कितनी देर चलेगा। फिर डाउन हो गया, फिर हम छत पे आए हम और आरती, फिर लेटे रहे, फिर ऊपर मच्छर बहुत काट रहे थे। मुन्ने मच्छर ने ऐसी तैसी कर दी सकती, मतलब बच्चे वगैरह हम सब बहुत परेशान हो गए। फिर हम नीचे जाके पूरे घर में अंधेरा कि थोड़ी बहुत रोशनी से काम चल रहा, वो भी फ़ोन की रोशनी से काम चला रहे थे। फिर नीचे गए, फिर दूसरे कमरे में भी मतलब नींद नहीं आई। फिर मतलब आप सोचो कि मैं सुबह सोया हूँ 4:30 पे, आरती भी ऐसी सोई और वो भी ऐसी जग गई, अभी भी वो शायद सो रही हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई। तो अब फिर क्या हुआ, फिर मैं जैसी सुबह हुई, मॉर्निंग हुआ, तो मैं छत पे आ गया और छत पे लेटा रहा कम से कम 8-9 बजे तक लेटा रहा छत पे, नींद पूरी करी थोड़ी बहुत करके 3-4 घंटे की। और फिर मैं नींद पूरी करी, फिर उसके बाद फिर हम नीचे गए और नीचे जाने के बाद डेली का जो रूटीन है, फिर जिम करना, ब्रेकफास्ट करना, वो सारी चीज़ें। कल यार मतलब कितनी दिक्कतें हुई थी आप सोच नहीं सकते, कि जैसे कि लाइट आती है, इन्वर्टर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब ये चीज़ नहीं होती है ना तो उस चीज़ की कमी महसूस होती है। यार काश इन्वर्टर होता, काश मतलब ये चल रहा होता, काश लाइट होती। तो यार मेरा गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है यार, कोई भी चीज़ होती है ना उसको थैंक्स कहना सीखो, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब मालूम चलती है जब वो चली जाती है। तो वक्त रहते हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। जब इन्वर्टर चल रहा था तो अगर उस कमरे में कोई है भी नहीं तब भी चल रहा है, अगर उस कमरे में अगर कोई है भी नहीं तब भी लाइट जल रही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एनर्जी को सेव करना सीखो यार, बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन में यार सब घर पे ही हैं और इन सब चीज़ों की खपत तो ज़्यादा होती है, क्योंकि घर से आप निकल नहीं रहे हो, घर के अंदर ही हो। अजीब सा लग रहा था यार, मतलब आंखें भारी हो रही थी, सर में दर्द, जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो सर में दर्द रहता है, अजीब सा दर्द रहता है। और वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा फिर होने लगेगा, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा फिर होने लगेगा। तो गाइस किसी भी चीज़ की वैल्यू करना सीख तो यार वक्त रहते, क्योंकि कल आरती रात में कह रही थी काश यार लाइट होती तो मतलब आ जाती, काश इन्वर्टर चल रहा होता। तो ये काश में वो चीज़ें घूम जाती हैं। अब जब चीज़ें चल रही हैं, लाइट आ रही है और इन्वर्टर चल रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं था, हम याद ही नहीं करते हैं। तो वैल्यू उस चीज़ की तभी मालूम चलती है जो चीज़ नहीं होती है। गाइस घर में तो ऐसा चल रहा है कि लैया इस समय मिर्च का कुछ बना रही है और बच्चे वगैरह नीचे खेल रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये लैया देखो क्या बना रही हैं, क्या है लैया? ये मेथी है और नमक है, इसको ये हरी मिर्च है, इसमें भरते हैं इसको और इसको फिर सुखाते हैं 2-3 दिन, फिर एकदम ही करारी हो जाती है धूप में और फिर इसको ऑयल में तल के फिर दाल के साथ सब्जी के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है ना, टेस्टी लगती है। इसे कुछ नहीं करना, ये मेथी के दाने हैं, मेथी के दानों को भून के पीस लिया है, महीन कर लिया है और इसमें नमक डाल दिया है। और फिर ये मिर्चें वैसे पतली वाली मिर्चें होती है, मोटी वाली है, इतनी छोटी और पतली वाली मिर्ची होती है ना, उसको बीच में फाड़ के इसको थोड़ा थोड़ा भरते हैं और इसको धूप में सुखा लेंगे 2-3 दिन। अभी ग्रीन है, बिल्कुल येल्लो हो जाएंगे सूख के, मैं सूख जाएगी उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे इसका शेड कैसा हो जाएगा। धूप में 2-3 दिन सुखाएंगे, फिर इसको धूप में 2-3 दिन सुखानी पड़ती है ताकि करारी हो जाए। हाँ करारी हो जाए, फिर करारी हो जाती है, फिर इसको तेल में तल के फिर खाने के साथ खाया जाता है, दाल के साथ, सब्जी के साथ, आप किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है और तीखी बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जेनी का नाइट सूट है, आप बहुत प्यारा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है, पिंक।
ये मिर्च है जो ललिया उस समय बना रही थी, और ये 3 दिन तक अब सूखती रहेगी, और सूखने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप तेल में भून के खाइए, चाहे वैसे खाइए, बहुत अच्छी लगती है ये मिर्च। मैंने भी खाई है, तो बहुत दिनों से, यानी कि एक अरसा बीत गया तब से हमने ये मिर्च नहीं खाई। अब इसने पता नहीं कहाँ से इसे ध्यान आई और बनाने लगी, लेकिन बहुत प्यारी मिर्च है ये। प्यारी मिर्च है। तुम खाओगे? नहीं। तो और मेहर मृदुल पेड़ पौधों में पानी लगाते हुए ओ इसे तो देखो, वैसे भी मृदुल को बहुत शौक है पानी से खेलने का। भैया सही से लगाओ, लड़के रहे हो। ये ऐसे छोटे छोटे तेरे काम क्या करो पूरे गार्डन में। इधर भी लगाओ, इधर भी लगाओ, इधर तो लग चुका। और मामू कहाँ लगवाओगे? इधर तो लग गया। लग गया पापा। किसको धुलोगे? अरे पेड़ धुल गया बेटा, आ जाओ। धुल गया धुल गया धुल गया। अब भीगा मत देना उसको, आ जाओ, नहीं भीग जाओगे फिर कपड़े बदलोगे। टंकी गई, मामू ने बंद कर दी। अब मेहुल मेदुल इस गार्डन में आ गए हैं, अब यहाँ पे पानी लगाएंगे। भैया ऐसे नहीं लगेगी, मामू से लगवाओ, मामू लगा दो आके। अब मेहुल मेदुल इस वाले गार्डन में पानी लगा रहे हैं। मेहुल सही से लगाओ। अरे तुम पैर ही धुलते रहोगे कि लगाओगे भी? इधर लगाओ, हाँ लगाओ इधर। देखो पेड़ों में नहीं लगा रहे, अपने पैरों में पानी लगा रहे हो तुम। ये देखो इन्हें फुर्सत मिली और मिट्टी से खेलने लगे। मृदुल मृदुल मिट्टी से खेलने लगे, वाह भाई वाह वाह वाह। ये रही ललिया। अब हमने फैसला किया है कि पानी तुम्ही से लगवाया करेंगे पेड़ों में। लगा दोगे? लगा दोगे पक्का? ये देखो आरती मैडम, और क्या हाल चाल? कल से मूड कुछ ठीक हुआ? नहीं नहीं, कल तुम रात में बहुत वो हो रही थी कि कब आएगी लाइट, ये आएगी वो आएगी। हाँ 12-1 बजे तक तो जगते ही रहते, लेकिन उसके बाद फिर लगने लगा था यार। मतलब 12-1 बजे के बाद तो नींद आना ही शुरू होती है, फिर कितने चक्कर ऊपर नीचे इधर उधर, इतने चक्कर अभी तक नहीं काटे मुझे, तो कल रात में पूरे चक्कर इधर से उधर काटे थे। ये मच्छरदानी रखी हुई है जब लाइट नहीं आ रही होती तब इसके बहुत बहुत यूज हो जाता है ना मच्छरदानी का। हाँ कल तो भैया बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, पूरी रात, मतलब पूरी रात 1% भी नहीं सोए होंगे, बस यही था कि कब लाइट आ जाए कब लाइट आ जाए। ये तो फिर भी छत पे जाकर थोड़ी देर के लिए सो गए। अब लाइट तब आई जब सुबह का टाइम हो गया, खाना पीना 8 बजे आई थी सर। हाँ सुबह 8 बजे लाइट आई थी, फिर क्या सो गए, फिर तो नहाना है, खाना पीना बनाना है, नाश्ता बनाना है, ये सब कुछ हो जाता है, काम शुरू हो जाता है। मम्मी और खेल रहे हैं, मैं और मृदुल दोनों खेल रहे हैं आराम से। ये देखिए एक मुझे दिला दो ना ये। अरे मैं तो लैपटॉप पे काम कर रहा था, मुझे भी दिला दो एक, ये ले लेना। मैं और अपने पापा को बोलो मेरे लिए एक ये दिला दे। काम गलत है, लड़के का होता है। और क्या, लड़के का होता है, इसने फिर कपड़े चेंज कर लिए। काम ही है, पानी भीग के आया, अभी पानी लगा रहा था, पानी में भीगना, फिर से कपड़े चेंज करना। और मृदुल मृदुल का कितना हो रहा है, मृदुल को तो कल भी 2 जोड़ी कपड़े बदले थे, उसके बाद आज फिर से कि हाँ मुझे सुबह उठते मम्मी हिलाओ मत। अगर मैंने एक बात को, मतलब मैंने कल नहलाया तो मैंने कहा आज ये पैंट पहन लो, आज ये दबा के सोई है दिन में, क्योंकि रात में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मैंने कहा सोलो बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, सोना कितना सोना है। वैसे भी इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बोलते 7-8 घंटे की नींद लो, 7-4 घंटे की नींद। हाँ वैसे तो कम ले लो चल जाएगा, लेकिन अब इस टाइम पे क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम भी तो बूस्ट होना चाहिए, पानी खूब सारा पियो, खूब सारा सो और खूब सारा खाना खाओ। वो कहा गया है कि बहुत सारा मतलब पानी पियो, क्योंकि कम से 4-5 लीटर दिन भर में पानी पियो, पानी पीते रहो,
बार बार हाथ सैनिटाइजर करते रहो और हैंड सैनिटाइज करो। और लेकिन जितना मुझे लगता है पिछली बार लोग थे हाथ धुलने के लिए पहले कि हाँ मतलब कितना धुला जाता था सैनिटाइजर ये साबुन और ये बेटा रुक जाओ साबुन और ये हैंड वॉश कितना पहले बिक गया होगा। इस बार मुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं कहीं गई भी नहीं हूं। नहीं एक्चुअली बिक रहा है अभी ज्यादा इसकी सेल आउट होने लगी है। ऐसा नहीं है तुम्हें लग नहीं रहा होगा लेकिन अभी बहुत हो रहा है। हम दोनों का कलर बिल्कुल सेम आ रहा है ना, ये सूरज जाने की लाइट का है ना, सनलाइट रहती है प्रॉपर तो और गोरे आते हैं और थोड़ी अभी हर रात हो जाएगी तो और काले हो जाओगे और क्या काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। फिर नींद आ रही है क्या बात कर रहे हो, खाना कौन बनाएगा? आज तुम बना देना आटा गूंद के लेते हो रोटी सेक लेना। नो मैं तो बहुत अच्छी रोटी सेक लेते हो ना, ये बहुत अच्छी रोटी सेकते हैं, मुझे तो ऐसे सेकने भी नहीं आती, ये गोल 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 घूमती है, मेरी गोल गोल नहीं घूमती है, इनकी गोल गोल घूमती है। हाँ मैं गोल गोल रोटी तो बना लेता हूँ, बहुत अच्छी रोटी बना लेता हूँ। और आपने एक ब्लॉग बनाते कभी नहीं है, बना लेते हैं लेकिन बनाते कभी नहीं, ऐसा मत सोचना। अगर ये चीज देखनी है तो पहले एक ब्लॉग था कौन सा वाला वाइफ ने किचन में ऐसा करके वाइफ ने किचन में लिया मेरा टेस्ट और मैंने कहा भी था कि मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि अगर मैंने एक बार बना दिया तो तुम बार बार मुझसे खाना बनवाओगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक दो बार सुसु पॉटी करा दी बच्चों को, मैं ही कराता हूँ, मेरे सर चढ़ गया। कितना झूठ। अच्छा तुम्हें पता ये अगर मैं अच्छा अगर मैंने सुसु पॉटी नहीं कराई तो तुमने कराई। मैं और मुझे को ऐसे टाइम भी आती है जब काम कर रही होती हूँ मैं, हाँ तो अब ये तो उस टाइम पे तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा। अब मैं रोटियां सेक रही हूँ तब मैं छोड़ के थोड़ी जाऊंगी, खाना बना रही तब मैं छोड़ के थोड़ी जाऊंगी। मैं तुमने लास्ट टाइम कब कराई थी सुसु पॉटी? हे भगवान कौन कराता है मेरे दो सुसु पॉटी? अरे ये नहीं पहले मम्मी तुम नहीं कराओ, पहले मम्मी कराते हैं, इधर आज बताओ कौन कराता है, इधर आओ सुसु पॉटी कौन कराता है, आज फैसला हो जाए कौन कराता है। अरे देखो दोनों कराते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन कराता है? अरे सबसे ज्यादा कौन कराता है सुसु पॉटी तुम्हें? दोनों ये इसलिए कह रहा है मेरा बेटा देखो समझदार है कि दोनों को झगड़ा ना हो। हाँ, नहीं वो वैसे तो ज्यादातर तुम्हारी साइड में रहता है लेकिन सच बोल रहा है, वो बोल रहा है ना तुम सच क्यों। अब आरती जा रही है खाना बनाने, तो गाइस आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और ऐसे जीवन में खुशियां फैलाते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ संडे को 8 PM हम लाइव जरूर आएंगे, तो लाइव आना जरूर क्या, तो गाइस संडे को 8 PM बिल्कुल मत भूलना, हम लोग लाइव आएंगे, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, तो ध्यान रखिएगा संडे 8 PM। बाय बाय।